नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। झारखंड से मैं भी भारत के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं श्याम सुंदर। आज हम बात करेंगे आदिवासियों की परंपरागत व्यवस्थाओं की, और आज हम हैं बेड़ो ब्लॉक में और यहां पर उरांव जनजाति की पढ़ा व्यवस्था को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि 1996 में आदिवासी इलाकों में पंचायती राज लागू करने के लिए जो पेशा कानून पास किया गया था, क्या उसने इन संस्थाओं को मान्यता दी है जैसा कि इस कानून में और संविधान में वायदा किया गया था। झारखंड के बेड़ो ब्लॉक के अलग अलग गांव से गीत गाते हुए ये हजारों आदिवासी पढ़ा सभा की बैठक में हिस्सा लेने बारीडीह गांव आ रहे हैं। 22 गांवों के प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए यहां पहुंचते हैं। हर पढ़ा की अपनी पहचान है, उसका अपना झंडा। गांव की पहचान को बनाए रखने के लिए हर गांव को अलग अलग झंडा का रंग दिया गया है, और इस झंडा के रंग पर ही उस गांव का मान सम्मान और गरिमा निहित है, और इस झंडा के रंग पर केवल उस गांव का लोगों का भर विश्वास और भरोसा है, ऐसी बात नहीं, बल्कि इस झंडा के रंग पर उस गांव का देवी देवता का भी विश्वास और भरोसा है। हर साल नियर इन साल भी विशु शिकार बीतल कर बाद ये समीक्षा बैठक आज हमरे बनकर हुए जाते। पढ़ा सभा की बैठक में सबसे पहले हाजिरी होती है जमनी, जहना, जनहा और पोता बसनंदा, मारीडी। उसके बाद बैठक का एजेंडा सबके सामने रखा जाता है। बैठक में उठने वाले विषय पूरे समुदाय से जुड़े होने के साथ साथ किसी व्यक्ति विशेष से भी जुड़ा हो सकता है। जब पानी का दिक्कत है तो हम वही ठीन ले 4 बजे पूरा पति प्रशासन के इटकी पति प्रशासन के बेड़ो प्रशासन के पूरा पति हम कहले कि भाई यहाँ पानी का दिक्कत है, चाहे जिस भी कीमत में हो यहाँ पानी उपलब्ध कराओ। पढ़ा उरांव समाज की पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत ही इस समाज की प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियां चलती हैं। तो ये पढ़ा जे हमरे कर पुरखा मन बना लें, ये पढ़ा यहाँ के रहे वाला तमाम मूल निवासी मनक सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था। इस पढ़ा के बगैर ना तो यहाँ के हिंदू ना मुसलमान ना आदिवासी केकरो कल्पना नहीं कर जा सकते। जे खान दुनिया ने कोई जा थाना कोर्ट कचहरी नहीं रहे, से खान हमार पुरखा मन के गांव ने कोई विवाद होत रहे तो यहाँ नहीं फैसला होत रहे, तो 5 गांव बैठ के फैसला कर लें, वो 5 पढ़ा बनलक। पढ़ा व्यवस्था में समुदाय के कमजोर परिवारों की मदद का इंतजाम भी किया जाता है। हम इनके ऐसा समाज है जहाँ महिला और पुरुष के समान भागीदारी है। अगर हम इन अगर रोपा भी रोपेला तो सबसे पहले हम इनके घर के बेटी और इसी पुतव सबसे पहले एक पीड़ा रोपे ना, तब जाके बनियार मने उतरे ना। इस व्यवस्था के तहत एक लैंड बैंक होता है जिसमें हर गांव में कुछ एकड़ जमीन होती है जो पढ़ा यानी गांव की सांझी संपत्ति होती है। इस जमीन से पैदा होने वाली फसल का इस्तेमाल जरूरतमंद परिवारों के लिए किया जाता है। हमरे मान कर पहले कहीं दुनिया ने बैंक नहीं रहे, हमरे कर पुरखा मन कर रखती बैंक नहीं रहे, चलती बैंक रहे, कि हर गांव ने गहरी जमीन 10 एकड़ से 20 एकड़ तक हर गांव ने हमरे कर गई रही जमीन रहे। उकरे से जितना गांव घर ने किसी को तकलीफ होते, शादी ब्याह ने, दुख सुख ने, कोई चीज़ ने तकलीफ होते रहे तो हमरे मन जितना मन धान चाहते रहे तो उतना धान देते रहे, शादी ब्याह ने कर से कर जितना मन का खर्चा लगाते रहे उकर आधा खर्चा देते रहे। आदिवासियों की परंपरागत व्यवस्था में सस्ते न्याय की मजबूत अवधारणा मिलती है। उरांव जनजाति की पढ़ा व्यवस्था में समुदाय के किसी व्यक्ति या परिवार से जुड़े मसले को निपटाने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। बगैर समाज कर चाहे उस गांव में रहे वाला कोई भी जात हो,
बगैर समाज के जिंदा नहीं रह सकेला। यह व्यवस्था भी मोटे तौर पर आधुनिक न्याय व्यवस्था के जैसी ही है, लेकिन ये व्यवस्था आधुनिक व्यवस्था से सस्ती है और कम समय में पूरी होती है। तो पहला स्कूल आखरा और सिवरिन कोट धूमकुरिया घर रहे कि आज तक हम इतना दिन हो गए, आज तक थाना ने हम कोई केस के नहीं जाना थी ना कोर्ट तक नहीं जाने। आज तक पढ़ा ने इतना शक्ति है कि सारा चीज कर निर्णय कर सकेला। हर पढ़ा ने एगो को राजा का दर्जा दिया गया है, दूसरा गांव को राजा का दर्जा दिया। पढ़ा व्यवस्था में उरांव आदिवासी हर 3 साल में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। ये चुनाव बिना अपवाद सर्वसम्मति से ही होता है। हम लोग को जहाँ भी मरण हेरम से लेके सब में बराबरी का भाग लेते हैं। परंपरा कर नियम कर अनुसार हमारे घर बीच में सब राजा मन उपस्थित है। इस पद्धति के तहत महतो प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालता है, जबकि पहान आदिवासियों का आध्यात्मिक गुरु होता है। इसके अलावा कोटवार एक तरह से सुरक्षा संबंधी मामलों की जिम्मेदारी लेता है। आज हमारे इस उरांव क्षेत्र में ग्राम सभा या हेडमैन ऑफ द विलेज हम अगर किसी को बोले तो हमारा महत्व होता है। अर्थात इसी राय का किताब में अगर हम पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा है कि पहान गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। अर्थात एक आध्यात्मिक गुरु है और दूसरा प्रशासनिक गुरु है। आदिवासी समाज का कोई लिखित इतिहास या कानून नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पढ़ा जैसी स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ सदियों से काम कर रही है। उरांव आदिवासियों की एक और अहम सामाजिक संस्था है घुमकुड़िया। इस संस्था को उरांव समाज की सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था की प्राथमिक इकाई भी कहा जा सकता है। आदिवासी गांव में अखड़ा, जिसे आप चौपाल कह सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर गांव के सभी आदिवासी सामाजिक मसलों और उत्सवों के लिए जमा होते हैं। अखड़ा के पास ही एक घर होता है जिसे घुमकुड़िया कहा जाता है। घुमकुड़िया में पहले सर्वसम्मति से मुखिया का चुनाव होता है। इसमें पुरुष और महिला दोनों में से एक एक को चुना जाता है। उरांव समाज के लिए घुमकुड़िया वो जगह है जहां उरांव नवयुवक और नवयुवतियां अपने समाज, परंपराओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में सीखते हैं। परंपरा के तहत नवयुवक और नवयुवतियां समाज के बुजुर्गों की देखरेख में घुमकुड़िया में रहते हैं। घुमकुड़िया की गतिविधियों को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है। लेकिन आदिवासियों की यह सामाजिक प्रशासनिक संस्था आज कमजोर पड़ती नजर आती है। संविधान अनुसूचित इलाकों में सामान्य कानून लागू करने की इजाजत नहीं देता है। इसी समझ के तहत 1996 में पैसा एक्ट यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट पास किया गया। इस कानून की मंशा ये थी कि अनुसूचित इलाकों में पंचायत राज के जरिए समुदाय को सशक्त बनाया जाए। ये कानून कहता है राज्य सरकार को आदिवासियों के रीति रिवाज, सामाजिक और धार्मिक परंपरा के अलावा सामुदायिक संसाधन यानी जल, जंगल और जमीन की पारंपरिक व्यवस्था के खिलाफ कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है। आदिवासी समुदाय को अपनी परंपरा और रीति रिवाज के हिसाब से अपने मामलों को संभालने और व्यवस्थित करने का अधिकार है। सरकार इन व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने वाले कानून नहीं बना सकती। इसके अलावा ये कानून आदिवासियों को कई तरह के अधिकारों की बात करता है। मसलन अनुसूचित इलाकों में लघु खनिजों का प्रबंधन, नशाबंदी,
जल स्रोतों का प्रबंधन, लघु वनोपज का अधिकार और ग्रामीण हाट बाजार का प्रबंधन। इसके साथ ही ये कानून ये प्रावधान भी करता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण करने से पहले ग्राम सभा और पंचायत से उचित स्तर पर सलाह मशवरा जरूरी होगा। 1996 में जब पैसा यानी के पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज पास किया गया तो उसकी मंशा ये थी कि आदिवासियों की जो संपदा है, चाहे वो जमीन हो, जंगल हो या जल हो, उसके बारे में फैसला करने की शक्ति वहाँ की ग्राम सभा यानी के आम आदिवासियों के हाथ में होगी। लेकिन क्या ऐसा हो पाया है? एक छोटे से ब्रेक के बाद यहाँ के कुछ जिम्मेदार लोगों और आम आदिवासियों के बीच में चर्चा करेंगे। हजारों बड़ा मुने किचिरी कोले कोलेर भैया। यही कारण है कि हिंदुस्तान में समय समय पर बहुत सारे शासक आए, अपना हुकूमत किए, लेकिन हमारी जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को कहीं छेड़छाड़ नहीं किया। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मैं भी भारत में। मैं हूं श्याम सुंदर और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं वो मुद्दा है आदिवासियों की परंपरागत संस्थाएं और पैसा कानून। 1996 में जब पैसा कानून पास किया गया उस वक्त में उम्मीद ये की गई थी कि जो आदिवासियों के परंपरागत संस्थाएं हैं, उनके रीति रिवाज हैं, उनको मान्यता दी जाएगी और इस तरह से पंचायती राज को आदिवासी इलाकों में लागू किया जाएगा। इस चर्चा में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो उम्मीद कितनी पूरी हुई है, पैसा कानून कितना ईमानदारी से ज़मीन पर लागू किया गया है और जो आदिवासी सामाजिक संस्थाएं रहीं परंपरागत तरीके से जो काम करती रहीं और जो आदिवासी रीति रिवाज हैं उनका कितना ख्याल रखा गया। आइए आपको अपने मेहमानों से मिलवा देते हैं। हमारे साथ जुनूस लाकड़ा हैं, भारत जन आंदोलन से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरा उराम हैं, ग्राम प्रधान हैं ब्राह्मे के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बरखा लाकड़ा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विश्वनाथ भगत जी पूर्व विधायक हैं और आजकल सामाजिक मुद्दों को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं झारखंड में। भगत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैं भी भारत कार्यक्रम में। उसके अलावा शांपा इक्का, ये भी ग्राम प्रधान हैं माल्टी गांव के, वो भी हमारे साथ चर्चा में मौजूद रहेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रफुल्ल लिंडा आदिवासी अधिकार मंच के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रफुल्ल जी। जुनूस लाकड़ा जी आपसे अगर हम शुरुआत करें, जैसा मैंने कहा कि 1996 में जब पैसा कानून बनाया गया कि आदिवासी इलाकों में पंचायती राज को स्थापित करना है, कितनी ईमानदारी से पैसा को आदिवासी इलाकों में लागू किया गया है? ये बहुत उत्साह के साथ देश के अनुसूचित क्षेत्रों के 25 अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पैसा कानून बना और इस पैसा कानून बनते ही बहुत बड़ी उत्साह के साथ पूरे इलाके में गांव-गांव बहुत बड़े बड़े आयोजन किए गए और सब में पूरा विश्वास था कि अब हमारे गाँव में राम राज स्वर्ग राज जन्नत खड़ा हो जाएगा। इसी उत्साह से पूरे गाजे बाजे के साथ पूरे इलाका में बहुत ही उत्साह के साथ कार्यक्रम किया गया और साथ साथ गांव-गांव में ग्राम सभा जो परंपरा से हम लोग करते आ रहे थे और उसी को और पुरजोर ताकत के साथ हम लोगों ने करना शुरू किया। यहां हम लोग पुनगी गाँव में बैठे हैं, पुनगी गाँव में ही ग्राम सभा का लेकर के हम लोगों ने यहाँ रात रात में भी बैठक होती थी और बच्चों का ये रात्रि पाठशाला ये धुमकुरिया जो है ये काफ़ी सक्रिय रहा और लोग काफ़ी जागरूक रूप से काम करते रहे। तो आप ये कह रहे हैं कि पैसा कानून लागू हुआ है, विश्वनाथ भगत जी आपका क्या अनुभव है कि जो परंपरागत संस्थाएं थी, जैसे पढ़ा व्यवस्था की बात की जाती है मुंडा आदिवासियों में, दूसरे और व्यवस्थाएं हैं काफ़ी तरह, हर जनजाति में अपनी एक परंपरागत व्यवस्था थी, क्या उनको मान्यता दी है पैसा कानून ने? हमारा जो परंपरागत सामाजिक व्यवस्था इतना सशक्त था, जैसे हमारे ये क्षेत्र में आपको पढ़ा है, आप इधर चले जाएं, उधर डोकलो है जी, और इधर पूरब की ओर चले ये बीच में आप जाएं तो मुंडा इलाका में गोत्र पढ़ा है, और आप चले जाएं उधर कोल्हान में तो कोल्हान में मानकी मुंडा व्यवस्था है जी,
साथ ही साथ संथाल परगना में आप चले जाएं तो संथाल परगना में मांझी परगणित व्यवस्था है, और ये व्यवस्था से ही हम आदिवासी पूरा पूरी हर व्यक्ति दृष्टिकोण से गाइड होते थे। और यही कारण है कि हिंदुस्तान में समय समय पर बहुत सारे शासक आए, अपना हुकूमत किए, लेकिन हमारी जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को कहीं छेड़छाड़ नहीं किया। इतना तक कि अंग्रेज हुकूमत आने के बाद अंग्रेज हुकूमत भी हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है इस व्यवस्था को हमारी व्यवस्था के सामने उनको झुकना पड़ा, और यहाँ की अपनी जो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक और पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था है उसको मान्यता देते हुए अप्रत्यक्ष रूप में हुकूमत की। लेकिन हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद हमारे यहाँ ठीक पढ़ा व्यवस्था के समांतर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, और पंचायती राज व्यवस्था को सरकारी मान्यता प्राप्त था, हमारा पढ़ा व्यवस्था को सामाजिक मान्यता प्राप्त था। नतीजा है कि धीरे धीरे ये पंचायती राज व्यवस्था हावी होते गया। अब जहाँ तक 1996 में ये पेशा कानून आई, तो पेशा कानून आने के बाद हम लोग को एक उम्मीद तो जगा, इसमें हमारा जो पारंपरिक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को उतारने का प्रयास किया गया, और 96 में कानून बनने के बाद हम लोगों ने भी उम्मीद किया था, किंतु ये आपको हमारा जो झारखंड का इलाका है, झारखंड राज्य है, यहाँ पर पेशा कानून लागू नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत अथी कानून बना के दो बार यहाँ पंचायत चुनाव कराया गया, और ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से हमारा जो गांव की व्यवस्था है उसको है कि तोड़ने का काम किया गया जी। तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि जो वायदा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ, जमीन पर जो पैसा लागू हुआ है कानून उसमें आदिवासी संस्थाओं को मान्यता नहीं मिली। मैं आपके पास लौटूंगा। प्रफुल्ल लिंडा जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि 1996 का पैसा कानून जिसको लेकर आदिवासी इलाकों में पंचायती राज को लागू करना था और जो उनकी परंपराएं हैं, जो उनके रीति रिवाज हैं, जो उनके कस्टम्स हैं, उनको मान्यता देने की बात थी, जिससे कि ईमानदारी से ग्राम सभाएं जो हैं वो शक्तिशाली हो सकें और अपने फैसले ले सकें, क्या वैसा हो पाया है? पेशा कानून के तहत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सरकार ने कराई। पेशा कानून के अलावे यहाँ पाँचवीं अनुसूची है, पाँचवीं अनुसूची में ग्राम सभा के 29 अधिकार हैं, तो पेशा कानून और ग्राम सभा में जो अधिकार हैं दोनों का उसमें कहीं समन्वय नहीं है, जिसके चलते सरकार केवल पेशा कानून को लेकर चलती है और ग्राम सभा का जो हमारा परंपरागत जो हमारा स्वावलंबन का अधिकार है, जो हमारा सुशासन है, उसको सरकार दरकिनार और नज़रअंदाज कर रही है। इसीलिए ये जो पेशा कानून को जो लागू है इसको हम लोग जरूर मान रहे हैं, लेकिन इसका जो मूल जो पांचवी अनुसूची का जो अधिकार है ग्राम सभा, जिसका संविधान में उल्लेख है कि संसद से, लोकसभा से और विधानसभा से बड़ा होगा ग्राम सभा, और उसके फैसलों को सरकार लागू करेगी, लेकिन पेशा कानून के आने से जो हमारा जो पेशा कानून का जो त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है वो ग्राम सभा को दरकिनार कर रही है, ऐसा हम लोग को महसूस हो रहा है। इसीलिए अभी तक सरकारी काम काजों में केवल पंचायत पंचायत का हल्ला है और ग्राम सभा को दरकिनार किया जा रहा है। बूंदाबांदी शुरू हो गई है। संक्षेप में बरखा, आपका क्या अनुभव है? आप परंपरागत संस्थाओं के को रिवाइव करने से जुड़ी हुई हैं यहाँ पर आदिवासियों के, क्या पैसा कानून ने बिल्कुल मान्यता नहीं दी है इन इन संस्थाओं को? नहीं, ऐसा थोड़ा कहना भी थोड़ा सा गलत होगा मुझे लगता है, क्योंकि पैसा कानून में पूरी तरह हमारे ढांचे को नाश्ते नाबूद कर दिया ये भी मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि जहाँ तक है, अगर ठीक है पांचवी अनुसूची क्षेत्र है, जैसे दादा ने कहा पांचवी अनुसूची क्षेत्र है, पेशा कानून के तहत ही यहाँ पे लागू होना चाहिए जो हमारी पारंपरिक ढांचा को देखते हुए,
हाँ, लेकिन बेशक ये चीज़ को कहा जाएगा कि जो हमारा पढ़ा सिस्टम है, पढ़ा व्यवस्था है, डोकलोस वगैरह, मानकी मुंडा है, माझी प्रगणत है, तो वही नाम से पेशा कानून में इंक्लूड होना चाहिए। ग्राम प्रधान हम लोग का हमारी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में इंक्लूड नहीं है, तो हमको हमारे जो राज्यपाल है, क्योंकि पांचवीं अनुसूची में राज्यपाल को पूरे अधिकार है कि वो अपने अनुसूचित क्षेत्र के लिए एक अलग से कानून बना करके वो राष्ट्रपति को दे सकता है, क्योंकि राज्यपाल को पूरे अधिकार है, क्योंकि वो जानते हैं कि आदिवासी को जितनी मान्यता है वो अपने स्वशासन के प्रति जी रहे, वो सारा चीज़ नियम कानून बना करके वो पारित करवा सकते हैं। तो हम लोग का यही है कि राज्यपाल एक 244 का मतलब 5 पैरा के तहत वो एक आवेदन राष्ट्रपति को दे और यहाँ पर हमारी परंपरागत रूढ़िगत व्यवस्था के तहत चुनाव गए, ताकि हमारी व्यवस्था ही बच रहे, हम लोग पूरी जोर कानून का विरोध नहीं कर रहे पेशा कानून का, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था को देखते हुए पेशा कानून बनी है ना, तो पेशा कानून में ऐसा ढांचा इंक्लूड होना चाहिए कि हमारा जैसे मानकी मुंडा है तो मानकी मुंडा नाम से ही होना चाहिए, क्योंकि मुखिया हमारे परंपरागत व्यवस्था में नहीं है, जिस तरह का नाम भी बरकरार रहे पेशा कानून का, जो अपनी जो उसके नियम कानून है या जो उनके कर्तव्य है वो भी पालन हो जाए और हमारा ढांचा भी उसमें बरकरार रहे। जी आप जोराव राम जी, आप गांव के मुखिया हैं, चुनाव हुआ है, क्या ग्राम सभा को जो शक्तियां देने की बात थी, क्या ग्राम सभा की बात मानती है सरकार, प्रशासन के अधिकारी? ग्राम सभा मैंने हम लोग पहले से हम लोग मैंने पाढ़ा व्यवस्था में पूरे मैंने गांव का आदमी जो पाढ़ा में मतलब इकट्ठे होते थे और बड़ा बड़ा जो मतलब कहीं भी मैंने काम जो मैंने हम लोग का थी होता था तो एकजुटता होकर के हम लोग पाढ़ा का थी में। जी मैं फिर आऊँगा आपके पास। विश्वनाथ भगत जी, हम एक स्टडी यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से करने की कोशिश कर रहे थे पेशा को लेके और जो परंपरागत व्यवस्थाएं हैं, क्या ये बात सही है कि जो चुनाव हुए हैं यहाँ पर, पंचायत चुनाव हुए हैं, उसमें कई तरह के वेस्ट, ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ और भी कई वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिन्होंने पैसा लगाया है चुनाव में और पैसे का बेजा इस्तेमाल पंचायत चुनाव में हुआ है? श्याम सुंदर जी, ये जो पंचायत चुनाव हुआ, इस पंचायत चुनाव में जो हम लोगों को अनुभव हुआ, जितने हमारे प्रतिनिधि हैं सबके पीछे कुछ ना कुछ माफिया तत्व का लोग लगा हुआ था और पैसा उन्हीं का खर्च हुआ। भले हमारा आदिवासी प्रत्याशी था लेकिन उसके पीछे जो माफिया है, दलाल है और कुछ पॉलिटिकल पार्टी का भी उसमें आती है, और यही कारण है कि आपको एक पंचायत में मुखिया का चुनाव लड़ने के पीछे कम से कम 10 लाख रुपया खर्च किया गया है। जी प्रफुल्ल लिंडा जी, जो सवाल मैंने विश्वनाथ भगत जी से पूछा, आपसे भी पूछना चाहूँगा कि राजनीतिक पार्टियाँ तो आएंगी ही अगर चुनाव होगा तो, लेकिन जो वेस्टेड ग्रुप्स हैं वो अगर पैसा खर्च कर रहे हैं पंचायत चुनाव में अपने मनमाने फैसले करवाने के लिए ग्राम सभा से, तो ये तो पैसा का जो मकसद था उसके बिल्कुल उलट है और ख़तरनाक है। ग्राम सभा पर भी एक दबाव बनाया जाता है कि ऐसे फैसला होना चाहिए जिसमें से मैंने माफिया तत्वों को या पैसे जिन्होंने लगाया वैसे लोगों को लाभ हो। इसीलिए झारखंड में विगत 5 साल में कोई परिणाम नहीं आया ये दिखता है, और आने वाला दिन में भी हम लोग को उम्मीद है कि जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसका रिजल्ट, यदि ग्राम सभा सशक्त नहीं होगी तो रिजल्ट या परिणाम बहुत ही आशाजनक नहीं आएगा। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ग्राम सभा का अधिकार को जो पूर्ण रूप से धारा 4 का एम में जो 7 जो अधिकार हैं, बाजार करने का, वन उपज को रक्षा करने का, जमीन का अधिकार को, नशाबंदी को लागू करने का, जमीन के अलावे जो यहाँ पर माइनिंग से उनको लागू कराने के लिए, ये तमाम अधिकार को वो लोग लागू नहीं होने देंगे क्योंकि उनमें से पैसा है और पैसा उनको कमाना है। श्याम पाइका जी, आप चुने हुए मुखिया हैं और एक आदिवासियों में पहले पढ़ा व्यवस्था और इस तरह से कई तरह की सामाजिक व्यवस्थाएं काम करती थीं, अब जब आप चुने हुए मुखिया हैं, क्या गांव से जुड़े हुए जो फैसले होते हैं और गांव के विकास की जो बात है, क्या अफसर आपकी बात सुनते हैं, मानते हैं, आपको अधिकार मिले हैं? देखिए पैसा कानून के तहत तो हम लोग को गांव वालों को बहुत ठीक अधिकार मिल गया
लेकिन भाई जी बोले कि सब अधिकार, तो कोई अधिकार अभी तक हम लोग को नहीं मिला है, बालू का पत्थर का सब माफिया लोग ही कर रहा है। तो बोलिएगा एक रकम से, तो ग्राम सभा को यानी सरकार की ओर से कोई अधिकार हम लोग को? जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ जमा थे, लेकिन बारिश की वजह से इस चर्चा को हमें यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि 1996 में जो पैसा कानून पंचायती राज को आदिवासी इलाकों में लागू करने के लिए बनाया गया था, उसको अगर आप ज़मीन पर जाकर ढूंढते हैं तो वो वहाँ पर नहीं मिलता है। जो अधिकार, जो शक्तियाँ ग्राम सभा को देने की बात की गई थी, वो शक्तियों के इंतज़ार में आज भी वो ग्राम सभाएँ देखी जा सकती हैं। पूरी राज्यसभा टीम को यहाँ से अनुमति दें। नमस्कार।